नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जमयार। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएए को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही, सूत्रों के हवाले से सीएए लागू करने की तैयारी में केंद्र, ये सूत्र बता रहे हैं। आचार संहिता से पहले अधिसूचना जारी हो सकती है, गृह मंत्रालय जारी कर सकते हैं अधिसूचना। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संकेत पहले दिए जा चुके हैं, कहा जा चुका है कि चुनाव से पहले सीएए लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर सियासी बयानबाजी लगातार होती रही है कहने के बाद, लेकिन अब क्या सीएए लागू होने जा रहा है। हालांकि सरकार कह चुकी है कि नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का यह कानून नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को और खासतौर पर मुस्लिमों की जो सियासत करने वाले राजनीतिक दल हैं, और सिर्फ मुस्लिमों की बात करने वाले जो कुछ राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि इससे आने वाले वक्त में मुस्लिमों कि जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन केंद्र ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला ये कानून नहीं है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर ये है कि सीएए लागू किया जा सकता है लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले।